हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जो कि है क्लासिफिकेशन वर्सेस रिग्रेशन। सो क्लासिफिकेशन वर्सेस रिग्रेशन की इस लड़ाई में मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किसके एडवांटेज है, किसके डिसएडवांटेज है, कौन अच्छा खेलता है, कौन बुरा करता है, सब चीज़ों के बारे में, किसने मेडल जीते हैं तो किसने नेशनल्स खेला है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स मैं आपको दूंगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशंस आर टू मेजर प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स दैट आर यूजुअली डील विद डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। ये दोनों ही डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के साथ में खड़े हैं, दोनों ही मेजर प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स के साथ में, इन दोनों मेजर प्रॉब्लम्स के साथ में दोनों खड़े रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और डिस्कवरिंग अ मॉडल और फंक्शन विच हेल्प्स इन सेपरेटिंग द डेटा इन टू मल्टीपल कैटेगोरिकल क्लासेस दैट इज डिस्क्रीट वैल्यूज। ओके, तो मैं पहले भी इसके बारे में बार बार बता चुका हूँ यार। इन द क्लासिफिकेशन टास्क वी आर सपोज टू प्रेडिक्ट डिस्क्रीट टारगेट वेरिएबल्स, और टारगेट वेरिएबल इट इज अबाउट आउटपुट। ओके, सो दैट इज ऑल्सो क्लास लेबल्स यूजिंग इंडिपेंडेंट फीचर्स। सो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर्स को यूज करते हुए हमें एक क्लास को प्रेडिक्ट करना है, क्लास लेबल्स को प्रेडिक्ट करना है जो कि आउटपुट में आएगा। इन क्लासिफिकेशन टास्क वी आर सपोज टू फाइंड डिसीजन बाउंड्री। हमें डिसीजन बाउंड्री को फाइंड करने की जरूरत है दैट कैन सेपरेट द डिफरेंट क्लासेस इन द डिफरेंट टारगेट। ये क्या करेगा, डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट टारगेट में वो कर देगा कि भाई ये वाला इसके अंडर में और ये वाला इसके अंडर में। द डिराइव्ड मैपिंग फंक्शन कुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ इफ देन रूल्स। ये जो डिराइव्ड मैपिंग फंक्शन है वो डेमोन्स्ट्रेट होगा इफ और देन के रूल्स में। द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम डील विद प्रॉब्लम्स वेयर द डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू बाइनरी और मल्टीपल डिस्क्रीट लेबल्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देन वील अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर। सपोज वी वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ऑफ मैच बाई टीम ए ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर रिकॉर्डेड अर्लियर, देन देयर वुड बी टू लेबल्स, यस एंड नो। सो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर हो गया X2, ये हो गया X1। सो ये मैंने एक क्लास बना दी जो इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दूसरी मैंने क्लास बना दी जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर ये यस एंड नो हो गया। ये वाला यस है कि भाई इतना इतना होगा, अगर एक्स की वैल्यू इतनी होगी तब ये जीतने की पॉसिबिलिटीज इतनी है। जैसे एक्स की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट को क्रॉस करेगी तो वो नो वाले फेजेस में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ओके, फिर आपका है अगला जो पॉइंट है वो है मल्टीपल क्लासिफिकेशन। मल्टीपल क्लासिफिकेशन में क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है बेसिकली, या इसको हम मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर X1 हो गया, ये X2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने बना दिए ये वाले, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया रेड से ट्राइंगल जिस तरीके से। फिर यहाँ पर मैंने बना देता हूँ मैं ये ऐसे ऐसे एक अलग डिजाइन के लिए। ठीक है, सो ये तीन क्लास हो गई। अगर कोई नया डेटा आएगा तो इन इनमें से किस क्लास के अंदर जाएगा। सो जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम दैट हैव बीन डिप्लॉयड डेवलप्ड ओवर द टाइम टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन टास्क बाय एम्प्लॉइंग टेक्निक्स लाइक बैगिंग एंड बूस्टिंग। सो ये एम्प्लॉइंग एक वो है, बैगिंग एंड बूस्टिंग दो टेक्निक्स हैं बेसिकली अपने पास में। सो क्या होता है बता देता हूँ, बैगिंग क्लासीफायर वो होते हैं जो क्लासीफायर है इज इनेबल्स मेटा एस्टिमर दैट फिट्स बेस क्लासीफायर ईच ऑन द रैंडम सबसेट ऑफ द ओरिजिनल डेटा सेट एंड द एग्रीगेट्स देयर इंडिविजुअल प्रिडिक्शन आइदर बाय वोटिंग और बाय एवरेजिंग और फॉर्म अ फाइनल प्रिडिक्शन सच एज सच अ मेटा एस्टिमर कैन टिपिकली बाई बी यूज एज अ वे टू रिड्यूस द वेरियंस ऑफ द ब्लैक बॉक्स एस्टिमेटर दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ट्री। बाई इंट्रोड्यूसिंग रेंडमाइजेशन इन टू इट्स कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड देन मेकिंग एन
इंसेम्बल आउट ऑफ इट। ओके, वहीं ये तो हो गया बैगिंग। बूस्टिंग का क्या हो गया कि बूस्टिंग के अंदर ये भी एक इनेबल मॉडलिंग है, टेक्निक है, जो कि अटेम्प्ट है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर फ्रॉम द नंबर ऑफ वीक क्लासीफायर्स। जो वीक क्लासीफायर्स है उन्हीं से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इट इज डन बाई बिल्डिंग अ मॉडल बाई बाई यूजिंग वीक मॉडल्स इन सीरीज। फर्स्टली अ मॉडल इज बिल्ड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा एंड देन सेकेंड मॉडल इज बिल्ड विच ट्राइज टू करेक्ट द एरर्स प्रेजेंट इन फर्स्ट मॉडल। तो हम बूस्ट कर रहे हैं। देखो, बूस्ट का मतलब ये हो गया कि पहले वाले को अच्छा बनाना, अच्छे को और अच्छा बनाना, हम बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं डिफरेंट हमारे पास में क्लासीफायर्स हैं जो कि डेवलप्ड हुए हैं ओवर द टाइम और टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। और ये किससे हुआ है? एम्प्लॉय टेक्निक से। इनको हम एम्प्लॉय टेक्निक्स, दो अपने पास में एम्प्लॉयिंग टेक्निक्स है, बैगिंग एंड बूस्टिंग। कौन कौन सी अलग अलग वो है? डिसीजन ट्री होगी, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हो गया, के नियरेस्ट नेबर्स हो गया हमारे पास में, और सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर अगला है रिग्रेशन। रिग्रेशन रिग्रेशन के बारे में बहुत आपको बता भी चुका हूँ पहले भी गाइस। रिग्रेशन पिछले वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ मॉडल और फंक्शन फॉर डिस्टिंग्विश द डेटा इंटू कंटिन्यूअस रियल वैल्यू इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लासेस और डिस्क्रीट वैल्यूज। ये कोई ना तो कोई क्लासेस दे रहा है, ना हमें कोई डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा है। इसके बजाय एक हमें कंटिन्यूअस रियल वैल्यू दे रहा है। इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल डेटा बिकॉज अ रिग्रेशन प्रिडिक्टिव मॉडल प्रिडिक्ट्स अ क्वांटिटी। देयरफॉर द स्केल ऑफ मॉडल मस्ट बी रिपोर्टेड एज एन एरर इन दोज प्रिडिक्शन। ओके, तो इसीलिए जो रिग्रेशन मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है क्वांटिटी को। इसीलिए जो स्केल ऑफ द मॉडल है वो रिपोर्ट होती है कि जो एरर्स हैं उन उन पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस में, उन सबको भी वो बताता है कि यार ये एरर है इसमें। देखो, क्लासिफिकेशन में तो अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ठीक है, यस, अगर आउटपुट में यस आया और एक्चुअल जो आउटपुट है वो नो है तो वो कहते हैं गलत है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एरनेस आई, मान लीजिए कि उसने कहा कि यार इस घर की जो प्राइसिंग है पर्टिकुलर फीचर के आधार पर, उसने बोला कि यार 2.5 लाख है। ठीक है, तो एक्चुअल जो डेटा था वो 2.6 था, तो हम बता सकते हैं कि यार कितना एरर का डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें आती है वो एरर के डिफरेंस से पता चलती है। इन अ रिग्रेशन टास्क वी आर सपोज टू प्रेडिक्ट अ कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल यूजिंग इंडिपेंडेंट फीचर्स। ओके, इसके अंदर वी आर फेस्ड विद जनरली टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। सो लेट्स टेक अ सिमिलर एग्जाम्पल इन रिग्रेशन ऑल्सो। वेयर वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग और इन सब इन अ पर्टिकुलर रीजन विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स रिकॉर्डेड अर्लियर। देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द रेन। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है उसके साथ में? मान लीजिए कि वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दो अलग अलग एक्सेस है ना, तो वो ये एक्स वैल्यू हो गई और ये वाई वैल्यू हो गई। वाई वैल्यू ये डिपिक्ट कर रही है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की, रेन होने की, है ना। तो फीचर्स, अलग अलग फीचर्स के आधार पे हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी को वो करेंगे, उसको डिपिक्ट करेंगे और फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। ओके, एक सेकंड, इसको रोटेट कर लेता हूँ। सॉरी, तो ये यहाँ से एक लाइन इसके पास की नियरेस्ट पास की एक लाइन चली गई। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि रिग्रेशन ऑफ डेज डे वर्सेस रेनफॉल इन मिलीमीटर। तो बेसिकली उस चीज का एक ग्राफ है। सो टाइप ऑफ रिग्रेशन हमारे पास में, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ आर्ट रिग्रेशन एल्गोरिदम्स दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर द टाइम टू गिव द बेस्ट रिजल्ट फॉर रिग्रेशन टास्क बाई एम्प्लॉइंग टेक्निक्स लाइक बैगिंग एंड बूस्टिंग। अगेन, सो बैगिंग एंड बूस्टिंग को ही हम यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हो गया लॉसो। इसकी जो वो है मैं बता देता हूँ इसके बारे में एक एक। लॉसो रिग्रेशन हो गया, रिजिड रिग्रेशन हो गया हमारा, फिर के जी बूस्ट रिग्रेशन हो गया,
ठीक है, फिर एक हो गया LGBM रिग्रेशन। ये इस तरीके के रिग्रेसर और रिग्रेशन हमारे पास में है। ये LG बूस्ट, तो इसको रिग्रेसर बोलते हैं हम, और ये रिजिट और लासो रिग्रेशन होगी। ठीक है, सो कंपैरिजन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सो एक एक चीज अब हम डिस्कस करते हैं, इसका एक कंप्लीट वो बना लेते हैं कि किसमें कितना वो है, दम है। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, घटिया सी लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन इधर मैं लिख लेता हूँ क्लासिफिकेशन। एक तरफ तो है क्लासिफिकेशन आपका, और दूसरी तरफ है आपका क्लासिफिकेशन, इधर आपका रिग्रेशन। ठीक है, सो सबसे पहला पहला पॉइंट क्या है, इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट द टारगेट वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट। सो जो आउटपुट है उसकी वैल्यू होगी डिस्क्रीट में, और यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो किस में होगा, कंटिन्यूअस में होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स लाइक स्पैम ईमेल हो गया, इसमें स्पैम ईमेल, ठीक है, फिर फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन, और डिजीज प्रडिक्शन, डिजीज प्रडिक्शन, ठीक है। वहीं इसके अंदर प्रॉब्लम जैसे कि हाउस प्राइस प्रडिक्शन हो गया, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, फिर हमारे पास में रेनफॉल प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है। सो दीज लाइक ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग दीज। ओके, अब आगे एक एक करके हम आगे बात करते रहते हैं इनके बारे में। थर्ड जो पॉइंट आता है, इन दिस एल्गोरिथम वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन बाउंड्री विच कैन सेपरेट द टू क्लासेस विद द मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशंस। सो हम यहाँ पर एक बाउंड्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो वी फाइंड बाउंड्री है, वी फाइंड बेस्ट बाउंड्री है, बेस्ट बाउंड्री है, बाउंड्री है टू सेपरेट टू क्लासेस, टू सेपरेट टू क्लासेस, दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए। और वहीं इस एल्गोरिदम में हम बेस्ट फिट लाइन ढूंढते हैं जो कि रिप्रेजेंट करे ओवरऑल जो ट्रेंड है डेटा का। तो ये जो है वो बेस्ट फिट लाइन को ढूंढता है, बेस्ट फिट लाइन को, जो कि सपोर्ट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द डेटा को, ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द डेटा, ऑफ द डेटा, डेटा। यार गाइस राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो बुरा होता है ना यार, थोड़ा सा देख लो यार। फिर है इवेल्युएट मैट्रिक्स, लाइक प्रेसिजन रिकॉल F1 स्कोर आर यूज हेयर टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो मैं लिख देता हूँ, इवेल्युएशन मैट्रिक्स इसके अंदर यूज होते हैं, इवेल्युएशन जो मैट्रिक्स है लाइक प्रिसीजन हो गया, प्रिसीजन हो गया, फिर हमारे पास में रिकॉल्स हो गए, फिर हमने F1 स्कोर को यूज कर लिया। ठीक है, इन सब को हम यूज करते हैं हेयर, यहाँ पर हम यूज करते हैं किसके लिए, इवेल्युएट करने के लिए, जो परफॉर्मेंस है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की उसे इवेल्युएट करने के लिए। वहीं यहाँ पर जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स है जैसे कि मीन स्क्वायर वैल्यू है, मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया, फिर R2 स्कोर हो गया, या फिर हो गया MAPE मैथ। सो दीज आर यूज हेयर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए। ठीक है, फिर पांचवा जो पॉइंट है वो हो गया आपका, हेयर वी फेस द प्रॉब्लम लाइक बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी और
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मैं बोल सकता हूँ, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो लीनियर रिग्रेशंस मॉडल हो गया, नॉन लीनियर रिग्रेशंस हो गया। तो मैं लिख देता हूँ लीनियर एंड नॉन लीनियर, इन दो प्रॉब्लम को हम यहाँ पर फेस करते हैं, नॉन लीनियर मॉडल्स को। फिर सिक्स जो पॉइंट आ गया वो आ गया इनपुट डेटा आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इनपुट डेटा है वो है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इंडिपेंडेंट है और जो आउटपुट है जो कि डिपेंडेंट है वो है तुम्हारा कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा। ओके, और यहाँ पर इनपुट डेटा है इंडिपेंडेंट एंड कंटिन्यूअस। जो इनपुट हो गया वो तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो तो, जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर्स है, ठीक है। और जो आउटपुट हो गया वो हो गया कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये मैं यार बार बार बता चुका हूँ, तो इसको बार बार एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कैटेगोरिकल लेबल्स आएंगे, यहाँ पर कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, यहाँ ऑब्जेक्टिव है प्रिडिक्ट करना क्लास को, यहाँ ऑब्जेक्टिव है प्रिडिक्ट करना न्यूमेरिकल वैल्यूज को। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, स्पैम डिटेक्शन हो गया, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, क्लासिफिकेशन का सेंटिमेंट एनालिसिस हो गए, और रिग्रेशन का स्टॉक प्राइसिंग प्रिडिक्शन हो गया, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग होगी, ठीक है। सो यही बेसिक डिफरेंस है इन सबके बीच में। ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जब आप कह रहे हो ना इवेल्युएट फीचर, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम इन सब से चेक करते हैं, प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर। इसको हम याद ऐसे कर सकते हैं कि FPR, FPR होता है ना जैसे FIR होता है वैसे होता है FPR। FPR मतलब F1 स्कोर, P प्रिसीजन एंड R से रिकॉल। और इसको ऐसे याद कर सकते हो MERE, मेरी मेरी बहन, मेरी बहन ऐसे याद कर लो, मेरी बहन। सो मेरी से मीन स्क्वायर्ड एरर, ये ME कवर कर लिया, R2 स्कोर और मैपिंग, ठीक है। सो इस तरीके से इसको याद करना है, याद कर लो। लेकिन मैं तो कहूँगा याद मत करो यार, आप इसको एक एक टेक्निक को समझो, एक एक टेक्निक को समझोगे वो किस तरीके से इसके प्रिसीजन परफॉर्मेंस को चेक करता है वो सब समझ गया, फिर बाद में उसको काम में लो यार, तो ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है, ज़्यादा समझ में भी आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।